हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव टॉपिक समझाने वाली हूँ। आज मैं आपको सर्वाइकल कैंसर के बारे में समझाने वाली हूँ। आज की वीडियो में आपको समझाऊंगी कि सर्वाइकल कैंसर क्या होता है, सर्वाइकल कैंसर के कारण क्या होते हैं, सर्वाइकल कैंसर का इलाज क्या होता है, सर्वाइकल कैंसर का रोकथाम क्या होता है, किस तरीके से आप अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हो। इन सभी चीज़ों को आज की वीडियो में मैं समझाऊंगी। साथ ही साथ मैं आपको ये भी समझाऊंगी कि क्या सर्वाइकल कैंसर से मौत होती है या फिर क्या यौन संबंध बनाने से भी सर्वाइकल कैंसर फैलता है। इन सभी चीज़ों को आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, आज के टाइम पर सर्वाइकल कैंसर एक मुद्दा बना हुआ है, थोड़ा सा ट्रेंड में भी है। ट्रेंड में है, ये बहुत अच्छी बात है। जब लोग कैंसर के बारे में जानेंगे, सर्वाइकल कैंसर के बारे में जानेंगे, तभी तो अपने आप को प्रिवेंट करेंगे। जब जानकारी ही नहीं रहेगी, जब जागरूकता ही नहीं रहेगी, तो अपने आप को प्रिवेंट भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट भी प्रयास कर रही है, हम भी प्रयास कर रहे हैं, ताकि लोगों को सर्वाइकल कैंसर के बारे में एटलीस्ट जानकारी हो, जिससे कि वो क्या कर सकें, लक्षण को पहचान सकें और अपने आप को बचा सकें, प्रिवेंट कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर सर्वाइकल कैंसर क्या होता है। देखो, सबसे पहले लिखा हुआ है कि महिलाओं में होने वाली सबसे आम कैंसर सर्वाइकल कैंसर ही है। कि आपको पता है बहुत तरीके के कैंसर फैल रहे हैं, बहुत तरीके के कैंसर लोगों को होते हैं, लेकिन जो महिलाओं में कैंसर होते हैं ना, उसमें सबसे आम कैंसर कौन सा है, सर्वाइकल कैंसर है। और इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। जो 25 इयर्स की जो लड़कियां होती हैं ना, लगभग बहुत ही ज़्यादा मात्रा में वो उसी एज में क्या हो जाती हैं, सर्वाइकल कैंसर से संक्रमित हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं। ठीक है, देखो लिखा हुआ आंकड़े बताते हैं कि 2019 में भारत में 45,000 से अधिक महिलाओं की मौत सर्वाइकल कैंसर की वजह से हुई थी। ये सिर्फ मैं आपको भारत का बता रही हूँ, पूरे विश्व में तो और संख्या बहुत ज़्यादा है। भारत में ही, सिर्फ और सिर्फ भारत में ही 45,000 महिलाओं की मौत हुई थी। किस कैंसर की वजह से? सर्वाइकल कैंसर की वजह से। तो आप खुद सोच सकते हो कितना ज़्यादा सीरियस टॉपिक है, कितना ज़्यादा सीरियस मुद्दा है ये। आगे लिखा हुआ है, आखिर कैंसर क्या होता है? देखो लिखा हुआ है, किसी भी कैंसर में आपके शरीर की कोशिकाएं असामान्य और अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ कैंसर क्या होता है, या फिर अगर आपको खुद को समझना हो कि कैंसर क्या होता है, तो कैंसर में क्या होता है, आपकी जो शरीर की जो कोशिकाएँ होती हैं, जो सेल्स होते हैं, वो असामान्य रूप से और अनियंत्रित रूप से उनमें क्या होती है, ग्रोथ होती है। तो उसे क्या कहते हैं, हम कैंसर कहते हैं। अब ये कौन सा कैंसर है? सर्वाइकल कैंसर है। सबसे पहले आपको समझना चाहिए सर्वाइकल कैंसर नाम क्यों है इसका। तो देखो, जहाँ से कैंसर शुरू होता है, तो जहाँ से शुरू होता है उसी जगह के नाम पर कैंसर का नाम पड़ता है। अब सर्वाइकल कैंसर क्या है? जो आपका जो फीमेल का गर्भाशय होता है ना, जिसमें बच्चा पलता है, जो यूट्रस होता है, जिसे हम कोख भी कहते हैं, उसका जो मुंह होता है, यानी जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, उसे हम गर्भाशय की ग्रीवा भी कहते हैं, उसे हम सर्विक्स भी कहते हैं। तो सर्विक्स में क्या हो रहा है? कैंसर हो रहा है। सर्विक्स से कैंसर पूरे बच्चादानी में आगे भी क्या हो रहा है? फैल रहा है। इसीलिए इस कैंसर का नाम क्या होता है? सर्वाइकल कैंसर होता है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो, वो इमेज नहीं दिख रही हो, आप अपने माइंड में इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, तो मैं साइड में कहीं पर इमेज भी लगा दूंगी। बट अगर आप समझो, तो जो वजाइना होता है, जब वजाइना आगे वो क्लोज होता है और जब आपका गर्भाशय खुलता है, तो जो गर्भाशय का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, जहाँ पे आपका बच्चा पलता है, उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जो गर्भाशय का मुंह होता है, उस हिस्से को हम सर्विक्स कहते हैं, उस हिस्से को हम गर्भाशय की ग्रीवा कहते हैं। आप बच्चेदाने का मुंह भी समझ सकते हो। तो उस जगह पे क्या होता है? कैंसर होता है। इसीलिए उसका नाम क्या है? सर्वाइकल कैंसर है। ठीक है, अब जो कह रहा है कि जब कैंसर गर्भाशय ग्रीवा यानी कि सर्विक्स में शुरू होता है, तो उसे गर्भाशय ग्रीवा कैंसर या फिर सर्वाइकल कैंसर या फिर बच्चेदानी के मुंह का कैंसर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये होता है आपका सर्वाइकल कैंसर। ठीक है, अब देखो आगे लिखा हुआ है कि कारण, कि किन कारण से सर्वाइकल कैंसर हो जाता है। जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो कहते होंगे कि हाँ, हमें ये तो पता चल गया कि सर्वाइकल कैंसर क्या है, बट क्यों हो जा रहा है किसी को सर्वाइकल कैंसर, क्या कारण है सर्वाइकल कैंसर होने के पीछे? तो देखो हुआ है कि ज्यादातर सर्वाइकल कैंसर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस यानी कि एचपीवी वायरस के संक्रमण के कारण होता है। यही ही मुख्य कारण है जो ज्यादातर महिलाओं में जो आपको सर्वाइकल कैंसर हो रहा है, उसका मेन कारण एचपीवी वायरस के संक्रमण के कारण से होता है। देखो लिखा हुआ है कि असुरक्षित यौन संबंध बनाने के कारण से भी क्या होता है? सर्वाइकल कैंसर। बट मेन रीजन उसका ज्यादातर मामलों में क्या होता है? एचपीवी। और उसके अलावा भी कारण है। पहला, दूसरा कारण क्या है? असुरक्षित यौन संबंध, जिसके अंदर देखो क्या क्या चीजें आती हैं,
एचपीवी संक्रमित के साथ यौन संबंध बनाना, अगर किसी एचपीवी संक्रमित के साथ आप यौन संबंध बनाते हो तो भी आपको सर्वाइकल कैंसर होने का खतरा हो सकता है, इवन हो भी सकता है। आगे लिखा हुआ है, एक से ज्यादा पार्टनर साथ अगर आप यौन संबंध बनाते हो तो भी आपको सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। आगे लिखा हुआ है, कम उम्र में यौन संबंध बनाने वाली महिलाओं को भी सर्वाइकल कैंसर का खतरा बहुत ज्यादा होता है। आगे देखो लिखा हुआ है कि गर्भ निरोधक गोलियों को लंबे समय तक सेवन अगर कोई करता है तो भी सर्वाइकल कैंसर खतरा उसे ज्यादा रहता है। आगे लिखा हुआ है, यौन संचालित बीमारियां जो एसटीडी वगैरह होती हैं उनके संक्रमण के कारण से भी आपको सर्वाइकल कैंसर खतरा हो सकता है। तो ये सारे कारण हैं जिन कारण से आपको सर्वाइकल कैंसर हो सकता है, इन सभी कारणों से बचना चाहिए। देखो HPV जो होता है, देखो HPV के लिए तो मैं आपको एक अलग से ही वीडियो समझाऊंगी, इस वीडियो में भी थोड़ी जानकारी मैं आपको इसके बारे में दे दूंगी जितनी आपको जानने की जरूरत है। आगे देखो लिखा हुआ है, आप असुरक्षित यौन संबंध को तो आप कंट्रोल कर सकते हो, गर्भ निरोधक गोलियों का भी आप कंट्रोल कर सकते हो, आप STD को भी क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, कंट्रोल नहीं तो अवॉइड तो कर सकते हो ना, आप बैरियर का इस्तेमाल कर सकते हो, कॉन्डम का इस्तेमाल कर सकते हो। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी गर्भ निरोधक गोलियों से STD प्रिवेंट नहीं होता है। आप चाहे कॉपर टीका इस्तेमाल करो, चाहे गर्भ निरोधक गोलियों का इस्तेमाल करो, इन सब से आप STD को प्रिवेंट नहीं कर सकते। STD को आप कॉन्डम का प्रयोग करके ही क्या कर सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो। तो ये तो मैंने आपको बताया STD, बाकी सब चीज़ों को कंट्रोल करोगे आपके सर्वाइकल कैंसर खतरा थोड़ा कम हो जाएगा। बट आगे देखो लिखा हुआ लक्षण कि किस तरीके से पहचानेगा कोई कि मुझे सर्वाइकल कैंसर हो गया है, तो मैं आपको एक बात बताऊं, ज़्यादातर मामलों में कोई लक्षण विजिबल ही नहीं होता है। अक्सर ऐसा ही होता है कि अगर कोई अर्ली स्टेज पे पहचान जाए कि मुझे कैंसर हो गया है तो उसका इलाज तो संभव है, लेकिन लोगों को पता चले तब तो उसे समझ में आएगा कि उसे कैंसर हुआ है, लोगों को पता ही नहीं चलता है। अब जब पता ही नहीं चलता है, जब तक डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं आप तो बहुत लेट हो गए हो, थर्ड स्टेज आ गई है, ये स्टेज आ गई है, तो उस टाइम पर इलाज क्या होता है, संभव नहीं हो पाता है। और जिनको लगता है कि क्या मृत्यु हो जाती है इस कैंसर के कारण से, बिल्कुल हो जाती है। अगर आप पहले नहीं पहचानोगे, आपकी बात नहीं कर रहे हो, किसी की जिनको भी होता है, जो कोई जिसको ये कैंसर हो रहा है अगर वो पहले नहीं पहचान रहा है तो उस अगर बहुत ही लेट पहचानेगा तो हो सकता है क्या हो जाए, उसकी डेथ हो जाए। तो वही बताना चाहती हूँ मैं आपको कि सबसे पहले जो लक्षण उसका क्या है, संभोग के दौरान दर्द होता है, यानी कि जब सेक्सुअल इंटरकोर्स दौरान आपको पेन होता है तो ये सिम्टम हो सकता है सर्वाइकल कैंसर का। आपके पीरियड्स इररेगुलर अगर हो गए हैं, अगर आपको यूरिन पास करते वक्त दर्द हो रहा है, अगर आपके पेल्विक एरिया में दर्द हो रहा है, वो दर्द है जो पीरियड्स के दौरान तो दर्द नॉर्मल होता है, उस टाइम तो दर्द होता ही होता है, क्या कर सकते हैं, बट उसके अलावा जो पेल्विक एरिया में दर्द हो रहा है जबकि पीरियड्स भी नहीं है फिर भी वहाँ पर दर्द हो रहा है, तो ये सारे लक्षण हो सकते हैं सर्वाइकल कैंसर के अर्ली सिम्टम्स होते हैं। अगर आपको सिम्टम्स विजिबल हैं तो तुरंत बिना देरी करे डॉक्टर के पास जाओ। बट बहुत सारे किस्म सिम्टम्स होते नहीं हैं, तो आपके मन में आएगा ना कि अगर सिम्टम्स ही नहीं है तो आप कैसे कह रहे हो कि मैं पहले पहचानूं, जब सिम्टम्स आएगा तब तो पहचानेंगे, जब सिम्टम्स ही नहीं देखा तो पहचानेंगे कैसे। मैं उसका भी एक आपको तरीका बताऊँ किस तरीके से आप HPV यानी कि आपके सर्वाइकल कैंसर से अपने आपको प्रिवेंट कर सकते हो। देखो आगे लिखा हुआ है कि इलाज क्या होता है इसका, तो देखो इलाज कब कराओगे, अगर आपको लक्षण दिख रहा है, टेस्ट कराए, पता चल गया कि हाँ आपको कैंसर की समस्या हो गई है, तो सर्जरी इलाज होता है। डिपेंड करता है कितना वायरस फैला है, कहाँ तक वायरस फैला है, रेडिएशन थेरेपी दी जाती है, आपको कीमोथेरेपी दी जाती है, ये सब तो इलाज है, बट प्रिवेंशन क्या है, किस तरीके से आप क्या करो कि आप बची जाओ इस सर्वाइकल कैंसर से, तो सबसे पहले HPV वैक्सीन। अब देखो HPV वैक्सीन के ऊपर एक डिटेल वीडियो समझाऊंगी कि कौन लगवाएगा, कितना खर्चा आएगा, किसको लगवाना चाहिए, कब तक लगवाना चाहिए, क्या कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं, सब कुछ मैं बिल्कुल डिटेल समझाऊंगी। बट फिलहाल के लिए जो HPV वैक्सीन है ना वो अभी अवेलेबल है। HPV जो अगर आप ये वैक्सीन लगवा लेते हो तो कम से कम 90% आपको चांसेस कम हो जाते हैं कि आप इस कैंसर से संक्रमित हो गए या फिर आपके अंदर HPV वायरस आपके अंदर इफेक्ट डालेगा। तो इसीलिए ये जो वैक्सीन है ना, इस वैक्सीन पर आपको बहुत ध्यान देना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वैक्सीन है, और अगर आप ये वैक्सीन लगवा लेते हो तो आपके अंदर इस कैंसर खतरा बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, इवन 90% कम हो जाता है। अब इसी की बात को लेकर तो मुद्दा बढ़ रहा है कि जब मार्केट में वैक्सीन अवेलेबल है उसके बावजूद भी लोग जागरूक नहीं है, तो जब जागरूक नहीं है तो वैक्सीन लगवाते नहीं है, और वैक्सीन नहीं लगवाते हैं तो इस कैंसर की चपेट में जाते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट आपको बता रही है, हम भी बता रहे हैं, सब लोग बता रहे हैं कि इसी वैक्सीन के लिए हर एक चीज़ के बारे में क्या होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। और इस HPV वैक्सीन के बारे में तो मैं डिटेल वीडियो समझाऊंगी। आगे लिखा हुआ है सर्वाइकल स्क्रीनिंग। अब देखो ये सर्वाइकल स्क्रीनिंग टेस्ट क्या है,
इस टेस्ट का मतलब है कि अगर 6 महीने में चलो नहीं पॉसिबल हो पा रहा तो भी 1 साल के अंदर क्या करना चाहिए, हर 1 साल में जो फीमेल होती हैं जो 21 ईयर्स से आगे की एज की होती हैं उनको टेस्ट कराना चाहिए कि कहीं बॉडी में यूट्रस में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं, कुछ इन्फेक्शन हो रहा है, कोई दिक्कत हो रही है। जब आप रेगुलर टेस्ट कराते रहोगे तो उस टाइम पर क्या होता है कि कोई भी चीज़ आपको होती है तो अर्ली स्टेज पर पता चल जाता है। अब अर्ली स्टेज पता चलेगा तो आप उसका इलाज करा पाओगे, जब टेस्ट नहीं करवाओगे सिम्टम्स आपकी बॉडी दे नहीं रही है तो आप क्या करोगे, बहुत ही जब कंडीशन गंभीर हो जाएगी तब जाते हो डॉक्टर के पास, डॉक्टर कहते हैं आप बहुत लेट हो चुके हो, फिर हम कुछ कर नहीं सकते, हाथ पे हाथ रख के बैठना पड़ता है। इसीलिए क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो वैक्सीन लगवा लो। वैक्सीन लगवाने के अलावा आप क्या कराओ, सर्वाइकल स्क्रीनिंग कराओ, हर साल में क्या कराते रहो, सर्वाइकल स्क्रीनिंग टेस्ट कराते रहो। और लास्ट, सुरक्षित यौन संबंध बनाओ, इससे भी बहुत फ़ायदा आपको नज़र आएगा। सिर्फ कैंसर से ही नहीं, बहुत तरीके के इन्फेक्शन होते हैं जो कि असुरक्षित यौन संबंध बनाने के कारण से होते हैं। अगर आप सुरक्षित यौन संबंध बनाओगे तो सिर्फ सर्वाइकल कैंसर से नहीं, बहुत तरीके के कैंसर, बहुत तरीके की बीमारी, बहुत तरीके के STD से बचे रहोगे। तो आज इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करना। दैट्स ऑल, बाय गाइज़।